कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। देश कुमार और आपका स्वागत है दक्षिण कौशल क्लासेस में। आप सभी को जय जोहार। और इस सुंदर से मौसम में आज हम एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का आरंभ करने वाले हैं और हम इस सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल से अध्ययन करेंगे ताकि यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो कहीं पर भी आपसे ना छूटें। तो आज हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वह है छत्तीसगढ़। चाहे CGPSC या CG व्यापम या किसी भी स्थानीय भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यहाँ से आपको मोर देन 50% क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो आज हम छत्तीसगढ़ का बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, सामान्य परिचय देखने वाले हैं, एक बहुत ही नए तरीके से, बहुत ही सुलभ तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से, ऐसे तरीके से जिससे आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद रहें। तो पूरा वीडियो आप कवर करें और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका छत्तीसगढ़ से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट जनजाति संस्कृति के लिए जाना जाने वाला यह राज्य 1 नवंबर 2000 को स्थापित होता है। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है 1 नवंबर 2000 को। भारत के 26वें राज्य के रूप में यह स्थापित होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके दो सिम्बलिंग्स अर्थात दो जुड़वा राज्य और बनते हैं इसके साथ ही साथ, और वो बनते हैं आपके उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। ये सिम्बलिंग राज्य थे, है ना। तो सबसे पहले उत्तराखंड बना, 27वां राज्य और 28वां राज्य बनता है झारखंड, ठीक है। तो 1 नवंबर 2000 को 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ स्थापित होता है, ठीक है। इस दौरान 9वीं पंचवर्षीय योजना 9th 5-year plan क्या थी, कार्यकाल में थी, ठीक है, जो कब से कब तक, 1997 से 2002 के बीच चली, ठीक है। तो इस दौरान छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है, ठीक है। अब यह निर्माण जो है ये मध्य प्रदेश से होता है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से से, ठीक है, क्या मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से से छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है, ठीक है। अगर मैपिंग आप देखना चाहें तो ये आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है और मध्य प्रदेश का यह आपको कौन सा हिस्सा दिख रहा है, दक्षिण पूर्वी हिस्सा दिख रहा है। इस दक्षिण पूर्वी हिस्से से हम छत्तीसगढ़ का निर्माण देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि बताइए मध्य प्रदेश के कौन से भाग में छत्तीसगढ़ स्थित है, तो दक्षिण पूर्वी भाग से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब देखो मध्य प्रदेश के 30.47% हिस्से से, 30.47% हिस्से से छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है, जो उसके कुल क्षेत्रफल का 135,191 किलोमीटर एरिया हुआ करता था। तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 135,191 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें इस क्षेत्रफल की तो यह देश का 4.11% एरिया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण उसके दक्षिण पूर्वी हिस्से से हुआ, अर्थात छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य जो है मध्य प्रदेश है। आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1952 को होती है। कब होती है? 1 नवंबर 1952 को, ठीक है। तो 1 नवंबर 1952 को मध्य प्रदेश की स्थापना होती है, उसके करीब 56 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 56 वर्ष बाद
56 वर्ष बाद, ठीक है, कब? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की आपको स्थापना देखने को मिलती है, और वह भी उसके 30.47% हिस्से से होती है। 135,191 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। और अगर हम बात करें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की, तो उनमें इसका स्थान जो है वह कौन सा है? 9वां है। तो भारत में क्वेश्चन अगर आपको पूछता है कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों के क्रम में छत्तीसगढ़ के स्थान कौन सा है, तो 9वां है। इनमें से आपको मैं बताना चाहूँगा कि करीब कितने राज्य, 5 पड़ोसी राज्य जो हैं छत्तीसगढ़ के, है ना। ये एस्पेक्ट देखिए, क्वेश्चन का एस्पेक्ट अब बदलते जा रहा है, तो हम भी उसी हिसाब से बदलेंगे। तो करीब छत्तीसगढ़ के 5 पड़ोसी राज्य जो हैं वो इससे क्या हैं, बड़े हैं, ठीक है। अगर बात करें तो सब इसका कोड जो है ये है रम्मू जी के आओ, ठीक है, रम्मू जी के आओ। तो आर का राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, यू से यूपी, जी से गुजरात, के से कर्नाटक, ए से आंध्र और ओ से ओडिशा, ठीक है। तो इस तरह छत्तीसगढ़ के जो 5 पड़ोसी राज्य हैं कौन कौन से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये इससे बड़े हैं। तो पहले स्थान पर क्षेत्रफल के आधार पर हमें पता है कि राजस्थान सबसे बड़ा है, सेकंड पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र क्षेत्रफल के आधार पर, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, पाँचवें नंबर पर गुजरात, छठवें नंबर पर कर्नाटका, सातवें पर आंध्र प्रदेश और आठवें पर उड़ीसा और नौवें नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से 56 वर्ष बाद अलग होता है, उसके 30.47% हिस्से और 16 जिलों को लेकर, कितने 16 जिलों से छत्तीसगढ़ का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। इस निर्माण का जो आधार था, हाँ क्या निर्माण का आधार था, ठीक, वह मुख्य आधार था इसकी विशिष्ट जनजाति संस्कृति, ठीक है, क्या विशिष्ट जनजाति संस्कृति जो मध्य प्रदेश से इसको अलग बनाती थी, इस कारण छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें। अब देखो छत्तीसगढ़ जब गठित हुआ है ना, तो गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की जो संख्या थी वो थे 16, विकास खंड की संख्या थी 146 और इतने ही तहसील जो थे छत्तीसगढ़ में तत्काल समय में उपस्थित थे, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी जो है, जिसको अभी वर्तमान में जाना जाता है, नवा रायपुर अटल नगर से, जो राखी गांव को विस्थापित करके बसाया गया है, ठीक है। तो राखी गांव पहले जहां पर हुआ करता था, वहां पर नया रायपुर अटल नगर को बसाया गया है। नया रायपुर की जो संकल्पना है वो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और दिवंगत मुख्यमंत्री श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जो हैं उनकी यह संकल्पना थी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आपको उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होगी। अब देखिए, तो पहले इसका नाम नया रायपुर हुआ करता था, फिर भाजपा शासन में इसे अटल नगर कहा गया, नया रायपुर अटल नगर। फिर जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आती है और कांग्रेस गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा लेके आती है, तो जब नवा छत्तीसगढ़ की बात है तो नवा रायपुर की भी बात होगी, तो इसको नया नाम मिलता है नवा रायपुर अटल नगर, ठीक है। फिर अगर इसकी न्यायधानी की बात करें, तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जो है
वो स्थित है बिलासपुर में। जब राज्य बना तो संघर्ष था राजधानी किसे मिले और हाईकोर्ट किसे मिले। तो चूंकि आपका जो बिलासपुर में है पहले से वहाँ हाईकोर्ट जो है संचालित एक पीठ बैठती थी और यहाँ पर बिलासपुर में एक हाई कोर्ट का निर्माण होता है, चूंकि बिलासपुर को राजधानी नहीं मिलती है, रायपुर को राजधानी मिलती है, केंद्र चूंकि छत्तीसगढ़ का केंद्र हुआ करता था वो, तो उसे राजधानी मिलती है, तो बिलासपुर को मिलता है उच्च न्यायालय, ठीक है, जो कहाँ स्थित है, बोदरी ग्राम पंचायत में स्थित है, ठीक है, बोदरी ग्राम पंचायत में स्थित है। छत्तीसगढ़ के ब्रेल लिपि प्रेस की बात करें, है ना, तो ब्रेल लिपि प्रेस जो है छत्तीसगढ़ का वो स्थित है बिलासपुर के तिफरा में। कहाँ है? बिलासपुर के तिफरा में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के अगर हम बात करें क्या राजकीय प्रिंटिंग प्रेस की, यानी ये छत्तीसगढ़ राज्य के सभी सरकारी कामों में उपयोग होने वाले दस्तावेजों की, तो राजकीय प्रिंटिंग प्रेस जो है वो छत्तीसगढ़ के चिखली ग्राम जो राजनांदगांव, कहां, राजनांदगांव के अंतर्गत आता है, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है, वहां स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की अगर राजभाषा की बात करें तो राजकाज की जो भाषा है वो है हिंदी। इसके अलावा इसकी दूसरी अतिरिक्त, है ना, या सेकंड आपकी राजकीय राजकाज की भाषा की बात करें तो वो है छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो अगर आप पूछता है कि छत्तीसगढ़ की राजभाषा क्या है तो हिंदी ही है, अतिरिक्त जो है राजकाज की भाषा वो छत्तीसगढ़ी है, ठीक है। अब देखिए जो अतिरिक्त राजकाज की भाषा है वो है छत्तीसगढ़ी, और इसको क्या करने के लिए, प्रसारित करने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन होता है 28 नवंबर सन 2007 को, ठीक है। और 28 नवंबर, चूंकि 28 नवंबर को ही राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो छत्तीसगढ़ को स्थान दिलाने के लिए राजकीय और विभिन्न प्रकार के सरकारी कामों उपयोग इसका बढ़ाने के लिए राजभाषा आयोग का गठन होता है। आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ को स्थान दिलाना है, भारत की जो आठवीं अनुसूची है हम सभी पता है कि वो राजभाषा संबंधित है, और करीब 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इसी में छत्तीसगढ़ को स्थान दिलाने के लिए राजभाषा आयोग का गठन होता है, ठीक है। और 28 नवंबर को जब गठन होता है तो इसको छत्तीसगढ़ राजभाषा के रूप में मनाने का निर्णय लिया जाता है। अगर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की बात करें तो छत्तीसगढ़ की अगर हम जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना अनुसार 2,55,45,198 ये छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है। यह पूरे भारत की जनसंख्या का 2.43% है, याद रखिएगा भारत की जनसंख्या का 2.43% है, ठीक है। और यह राज्य 16वां स्थान रखता है, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, 189 लोग रहते हैं। वहीं पर अगर भारत की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति है, ठीक है, क्लियर। और छत्तीसगढ़ की अगर लिंगानुपात की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार ही तो वह है 991, ठीक है। वहीं पर अगर हम भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो है आपका 943,943। तो इस तरह हम देखें तो छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा बेहतर है, और भारत के औसत जो जनसंख्या, भारत
जो औसत जनसंख्या घनत्व है उससे बहुत बेहतर है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में जो 19वां रेलवे जोन है वह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में रेलवे जोन जो है वो मुख्य रेलवे जोन जो है वो है ACCR, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे अर्थात दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, बिलासपुर में स्थित है, और राज्य का सॉरी देश का 19वें नंबर का 19th नंबर का क्या है, रेलवे जोन है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो बिलासपुर जो हाई कोर्ट है वह आपका 16वें नंबर का हाई कोर्ट था देश का, ठीक है, कितने नंबर का, 16वें नंबर का। उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आई होंगी। फिर अगर हम बात करें यहाँ के मुख्य एयरपोर्ट की, अगर यहाँ यातायात के साधनों में की बात करें, तो देश को यह कनेक्टिविटी मिलती है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि बताइए इस राज्य के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो इस राज्य के मुख्य हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है, स्वामी विवेकानंद के नाम पर। क्यों रखा गया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का संबंध रायपुर से रहा है, बचपन में उन्होंने यहां समय गुजारा है, इसलिए इस राज्य के मुख्य एयरपोर्ट का नाम स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। फिर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासनिक दृष्टि से यहां पर संभागों की जो संख्या है वह 5 है। आप इस तरह देख सकते हैं 5 संभाग हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एक है सरगुजा संभाग, दूसरा है कोरबा संभाग, तीसरा है रायपुर संभाग, चौथा है बस्तर संभाग और पांचवा है दुर्ग संभाग। तो इस तरह यहाँ 5 संभाग आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर जिलों की संख्या की बात की जाए, तो यहाँ पर जिलों की संख्या अब बढ़कर हो गई है 33। वहीं पर विकास खंडों की संख्या की बात करें तो 146 है। इसमें आपके 85 जो विकास खंड हैं वो क्या हैं, अनुसूचित विकास खंड हैं, ठीक है, स्केड्यूल्ड विकास खंड हैं, ठीक है। और इन 85 विकास खंडों में 5,050 ग्राम जो हैं ये अनुसूचित ग्राम हैं, ठीक है। अब बात करें राज्यसभा सीटों की, विधायिका की अगर बात करें, तो यहाँ राज्यसभा सीट की संख्या है 5, वहीं लोकसभा सीटों की संख्या आपको यहाँ देखने को मिलती है 11, ठीक है। इस तरह कुल यहाँ से आपको 16 सांसद देखने को मिलते हैं, कितने, 16 सांसद देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर बात करें, चूंकि राज्यसभा में तो रिजर्वेशन होता नहीं है, उच्च सदन है, लोकसभा जो निम्न सदन है जो क्या है, आम लोगों का सदन है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, आरक्षण देखने को मिलता है। और आरक्षण कुछ इस तरीके से है कि ST, SC और आपका अनारक्षित या अनरिजर्व, इस भागों में इसे हम बांटते हैं। तो 4 सीटें आपका अनुसूचित जनजाति को आरक्षित हैं, एक सीट जांजगीर की जो सीट है वो आपके अनुसूचित जाति को आरक्षित है, और 6 सीटें अनारक्षित श्रेणी में रखी गई हैं। फिर अगर हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा सीटों की कुल संख्या 90 है। एक समय होता था कि विधानसभा सीटें 90 और एक आपकी एंग्लो इंडियन सदस्य को मिलाकर 91 आपके विधायक होते थे, लेकिन भारत सरकार के एंग्लो इंडियन संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन के बाद अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो एंग्लो इंडियन को आप जरूरी नहीं कि मनोनीत करें। तो इस तरह अब 90 विधानसभा और 90 ही क्या है आपके विधायक हैं, MLA की संख्या कितनी है, 90 है। अगर आरक्षण की बात करें, ST, SC और अनरिजर्व में आरक्षण का प्रतिशत कुछ ऐसा है कि 29 सीटें स्केड्यूल ट्राइब को आरक्षित हैं इस राज्य में, 10 सीटें
स्केड्यूल कास्ट को और 51 सीटें अनक्षित रखी गई हैं। तहसीलों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल वर्तमान में 228 तहसीलें हो चुकी हैं। ठीक है, कितनी तहसीलें हो चुकी हैं? 228 तहसीलों तक यह सूची जाके पहुंच चुकी है। लगभग लास्ट जानकारी के अनुसार लगभग 201 जो तहसीलें थी वो राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी थी, तो 228 तहसीलों तक यह संख्या जा पहुंची है। फिर इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर पंचायती राज संस्थाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है। कौन सी? त्रिस्तरीय। पहले स्तर पर जिला पंचायत, जिसकी संख्या अभी वर्तमान में 27 है, क्योंकि नवगठित राज्यों में जिला पंचायत का गठन या चुनाव नहीं हुआ, इसलिए जिला पंचायत की संख्या 27 है। वहीं पर जनपद पंचायतों की संख्या 146 है, सभी विकास खंडों में एक जनपद। और ग्राम पंचायतों की अगर संख्या की बात करें तो इसका डेटा आपको अलग अलग रूप में पढ़ना पड़ेगा। जैसे जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 10,967 ग्राम 967 ग्राम मौजूद थे, ग्राम पंचायत मौजूद थे। ठीक है, जबकि पंचायत विभाग के द्वारा, ठीक है, ग्रामों की जो संख्या है वो 11,664 बताई गई। ठीक है, क्या? 11,664 बताई गई। ठीक है, और वहीं पर नगरी निकाय जो विस्तार हुआ उसके बाद ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी देखने को मिली, 13 ग्राम पंचायत यहां पर कम हो गए और 11,651 ग्राम पंचायत वर्तमान में मौजूद हैं। कितने? 11,651। वहीं पर अगर हम ग्रामों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जनगणना 2011 के अनुसार कुल 20,126 ग्राम थे। ठीक है, कितने? 20,126। उसके बाद पंचायत विभाग के द्वारा डेटा के अनुसार 20,255 ग्राम, ऑलमोस्ट 126 का दुगुना होगा, है ना? तो 20,255 ग्राम वर्तमान में मौजूद है, ऑलमोस्ट 2x है, 126 का 2x। ठीक है, और नगरी निकाय विस्तार के बाद राज्य में ग्रामों की संख्या में कमी देखने को मिली, करीब 21 ग्राम यहां पर कम होते हुए 20,234 ग्राम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कुछ दिवसों को प्रमुख दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जैसे 12 से 16 जनवरी के मध्य युवा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आपका स्वामी विवेकानंद की जयंती। तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को, के सप्ताह को युवा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक, पिछली सरकार 14 फरवरी को मातृपिता दिवस मनाती थी, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 28 नवंबर को हम छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाते हैं। वहीं पिछली सरकार 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाती थी, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाती थी, और 18 दिसंबर को मद्यपान निषेध दिवस के रूप में मनाती थी, गुरु घासीदास जयंती के ऊपर मद्यपान निषेध दिवस के रूप में। नई सरकार ने कुछ नई
तिथियों को महत्वपूर्ण घोषित किया, जैसे 1 मई को मजदूर दिवस या बोरे बासी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। क्यों? क्योंकि एक मजदूर, छत्तीसगढ़ का मजदूर बोरे बासी को खाकर क्या करता है, काम करता है, और यह एक तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रतीक है। वहीं पर 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग स्थापना दिवस मनाया जाता है और 14 दिसंबर को विधानसभा स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्लियर? तो यह डेट तो महत्वपूर्ण नहीं है, यह 14 दिसंबर आप ध्यान रखिए, 14 दिसंबर छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स हैं और आपके भवनों के नाम हैं जिसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में अगर भवन और उनको प्राप्त उपनाम की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे मंत्रालय जो भवन है, मंत्रालय जहां सचिव भी बैठते हैं तो सचिवालय भी कहलाएगा। तो मंत्रालय व सचिवालय जो है ये छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी महानदी के नाम पर इसका नाम महानदी भवन रखा गया है। वहीं पर संचालनालय या संचालक भवन का नाम इंद्रावती रखा गया है। ये दोनों कहाँ हैं? कैपिटल कॉम्प्लेक्स रायपुर में स्थित हैं। ठीक है, वहीं पर विधानसभा भवन का नाम मिनी माता के नाम पर रखा गया है, क्योंकि मिनी माता जो है छत्तीसगढ़ से पहली महिला सांसद थी, इसलिए उनके नाम पर विधानसभा भवन का नाम मिनी माता रखा गया। वहीं पर सीएम निवास या मुख्यमंत्री निवास का नाम करुणा रखा गया है। अब आपको याद कैसे रखना चाहिए, एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा के प्रति क्या रखनी चाहिए? करुणा रखनी चाहिए, इसलिए मुख्यमंत्री निवास का नाम करुणा। वहीं पर विधानसभा अध्यक्ष का जो निवास है उसका नाम रखा गया है संवेदना। अब देखो क्या होता है कि कोई पार्टी जीतती है, सरकार आती है, विपक्ष दूसरी ओर होता है, विपक्ष को क्या होता है, हार का मलाल होता है, तो विपक्ष भी अपनी बात को कहाँ रख सके, विधानसभा में रख सके। तो उसके लिए क्या, जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, उसको उनके प्रति क्या रखनी चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए। तो इसलिए विधानसभा अध्यक्ष निवास क्या कहलाता है, संवेदना कहला रहा है। वहीं पर विधायक विश्राम गृह जो है, जहां पर क्या है, देखिए हर विधायक अपने एरिया में रहता है, लेकिन जब उसको राजधानी जाना होता है तो उसको जरूरत पड़ती है इस निवास स्थान की। तो विधायकों के लिए निवास स्थान या विश्राम गृह का प्रबंध किया गया है। विधायक विश्राम गृह को जाना जाता है संगवारी के नाम से। अब इसको कैसे याद रखेंगे, आपको पता है कि हर विधायक अपने क्षेत्र में है ना, देखो हर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है, और वह एक तरह से जनता का संगवारी होता है, संगी होता है, जो जनता की बात कहां तक पहुंचाता है, विधानसभा या सरकार तक पहुंचाता है। तो इसलिए विधायक क्या है, संगवारी है। ठीक है, फिर राज्य शासन का जो विश्राम गृह है, यानी क्या, अगर कोई बाहर से मेहमान आ रहा है तो हम अगर उसको कहाँ ठहराएंगे, तो बाहर से मेहमान आते हैं उस मेहमानों को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं पहुना। तो छत्तीसगढ़ जो निवास स्थान है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो विश्राम गृह बनाया गया है उसका नाम है पहुना। वहीं पर छत्तीसगढ़ जो खनिज भवन जो है, ठीक है, इसका नाम है सोना खान। क्या है? सोना खान। ठीक है, छत्तीसगढ़ खनिज भवन का नाम रखा गया है सोना खान। फिर हम नेक्स्ट बात करें, राज्य चिकित्सालय जो है इसका नाम रखा गया है संजीवनी। देखो संजीवनी क्यों रखा गया है, किसी किसी की मृत्यु हो रही हो और उसका कोई जीवन बचा दे, है ना, कोई दवाई जीवन बचा दे
या डॉक्टरी जीवन बचा दे, तो उसके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। तो उसी के नाम पर राज्य चिकित्सालय का नाम क्या रखा गया, संजीवनी, ठीक है। जबकि जिला पंचायत रायपुर का नाम रखा गया है मितानिन, क्या रखा गया है, मितानिन। फिर वन विभाग मुख्यालय, वन विभाग का मुख्यालय कहाँ है जी, तो वन विभाग का मुख्यालय जो है ये रायपुर में स्थित है, याद रखिएगा। और इसका जो नाम है वो है अरण्य भवन, क्या है, अरण्य भवन, ठीक है। वहीं पर पीएचई यानी पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग, लोक स्वास्थ्य व यांत्रिकी, क्या, लोक स्वास्थ्य व यांत्रिकी, इसके मुख्य जो अभियंता हैं, चीफ इंजीनियर हैं, उनका कार्यालय जो है इसका नाम रखा गया है रामगिरी, क्या नाम रखा गया है, रामगिरी, ठीक है जी, क्या नाम रखा गया है, रामगिरी। और जल संसाधन प्रमुख अभियंता यानी चीफ इंजीनियर, इसके कार्यालय का जो नाम है वो नाम रखा गया है, क्या जी, शिवनाथ, ठीक है। आप बोलेंगे सर शिवनाथ कैसे हो गया, तो देखो इसका पूर्व जो नाम था, पूर्व में इसे सिहावा कहा जाता था, सिहावा, अब वर्तमान में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, शिवनाथ रख दिया गया है, छत्तीसगढ़ की दूसरी मुख्य नदी के ऊपर, और महानदी की मुख्य सहायक नदी के ऊपर, ठीक है, समझ में आ रहा है। मंत्रालय जो है इसके मुख्य द्वार का नाम शिव भगवान जी के असीम भक्त और द्वारपाल नंदी के नाम पर नंदी राज रखा गया है, ठीक है जी। ये आपके क्या हो गए, प्रमुख भवन हो गए, ठीक है। अगर हम छत्तीसगढ़ में प्रमुख हेल्पलाइन की बात करें तो डायल 100 आपको सुविधा देता है, किसका, पुलिस कंट्रोल रूम का, ठीक है, क्लियर। वहीं पर डायल 108 जो है ये संजीवनी के लिए है, ठीक है, क्लियर। 102 जो है ये महतारी एक्सप्रेस के लिए है, महतारी जो एम्बुलेंस आती है प्रसूताओं को सहायता देने के लिए, ठीक। 112 जो है ये 91 नंबर सबोबर जो योजना है, 91 नंबर सबोबर, यानी आपको पुलिस सहायता चाहिए, आपको फायर ब्रिगेड की सहायता चाहिए, अग्निशमन की सहायता चाहिए, या अन्य किसी प्रकार की सहायता के लिए इसको बनाया गया है। इसको लॉन्चिंग की गई 2018 में 91 नंबर सबोबर, जबकि संजीवनी एक्सप्रेस जो है 2011 से छत्तीसगढ़ में संचालित है, ठीक है। 181 डायल करने पर आप सखी वन स्टॉप सेंटर से जुड़ सकते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर उन महिलाओं के लिए एक मुख्य क्या सहायता स्थान है जो क्या पारिवारिक शोषण या किसी प्रकार के शोषण और बलात् से ग्रसित हैं, ठीक है। तो सखी वन स्टॉप सेंटर आप 181 लगाकर डायल कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर 1098 डायल करने पर आपको चाइल्ड हेल्पलाइन से जुड़ने का मौका मिलता है। 1099 जो है ये मुक्तांजलि सेवा है, मुक्तांजलि सेवा अर्थात मृत्यु होने पर अस्पताल से घर तक शव को पहुंचाने वाले शव वाहन को मुक्तांजलि एक्सप्रेस कहा जाता है। 1099 डायल करने पर आपको यह सुविधा मिल जाएगी, जबकि 1557 डायल करने पर आपको किसान कॉल सेंटर से जुड़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो किसान कॉल सेंटर कितना है, 1500 इनकम, ठीक है। तो इस तरह हमने छत्तीसगढ़ में
जो बेसिक